सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं तुहाडा साथी गुरनाम सिंह मैसमपुरी। सो दोस्तो, अज्ज नकोदर दे विच साडे दोस्त मित्र इकट्ठे होए है, सोशल वर्कर आ जिहड़े, समाज सेवक है, खूनदानी वीर है और तरखील साडी दे मैंबर है। सो एक असीं विचार वटांदरा अज्ज रखिआ है कि जिहड़ा वातावरण दा मुद्दा है वह किन्ना गंभीर हो गया और वातावरण नूं किन्ना क खतरा पैदा हो गया, इहदे बारे आपां विचार चर्चा करांगे। सो जे आपां वातावरण दी ही गल कर लईए तो जदों लाकडाउन होया कुछ दिनों के ही बड़ा साफ सुथरा वातावरण हो गया से, इतों आपू जे हिमाचल के पहाड़ दिखने लग पे और सह लेना सौखा हो गया, पंछी बड़े देख लिया मैं उन्होंने दे जोड़े जानवर आप नहीं देखते दे रूटीन वो भी साढ़े घर में आके चहचहा लग पे। सो लेकिन उस तो बाद लाकडाउन खुलिया, लेकिन यह मजबूरी से लाकडाउन करना भी खोलना भी, उस तो बाद फिर उही धूड़ मिट्टी सारा कुछ हो गया। सो मैं बेनती करना चाहवागा अपने साथियों अगे कि वातावरण जोड़ा खराब हो रहा एक किन्नी क गंभीर मसला वा, ये बारे मैं बेनती करांगा साथी परमजीत सिंह जी ढोडीपुर जी। गुरनाम जी, वातावरण तो बहुत वड्डा विशा, ये तो वड्डे लैवल से सरकारी लैवल से साडा भी अपना योगदान भी बनता कि असी वातावरण संभालिए। असी सड़कों के लगे दरख्त वड्ढी जाने, दरख्त ला के और मुड़ के पट देंगे, जिमीदारी पट्टी जाते हैं जिहड़े वातावरण लिए। सारे एक बंदे जागरूक होना चाहिए कि ऑक्सीजन तो बगैर असी की करांगे, जे ऑक्सीजन खत्म हो गई असी नाल ही खत्म हो जाना, साढ़े पशु पंछी खत्म हो जाने, अग्गां लाई जाने, होर कोई फैक्ट्रियां चलदियां ने। वातावरण बारे किसी नूं ध्यान नहीं गा, खास करके सरकारां जे ध्यान देन, कानून बन जाने इदां दे कि इन्ने दरख्त लाने लाने। बाहरलियां कंट्रियां देखीदा एक दरख्त पट्टिया चार लाने, होर एक दरख्त पट्टिया चार लाने, फिर तुहाडी जान छुट्टेगी। इत्थे 10 दरख्त वड़ दे, 100 वड़ दे, कोई नहीं पुछदा, कोई है ही नहीं किसी वातावरण बारे। ये बहुत जरूरी है, बड़ा गंभीर मशा, साड़ियाँ नस्लां खत्म हो जाएगियाँ, असी बीमार हो रहे हैं, दवाइया के सिर ते चल रहे हैं। वातावरण साड़ी जिम्मेवारी भी बनती है, सरकारां नूं अपील करते हैं कि इहदे सख्त कानून बनाए जाण तां कि वातावरण तो शुद्ध हो जाए जिहदे विच असी जी सकते हैं, साड़ी जनरेशन उहदे विच पल सकती है। ओके, सो नाल ही आपां क्योंकि सरदार परमजीत सिंह ने गल की है रुखां दी, जंगलां दी, सो हुणे हुणे पंजाब दे विच बहुत वड्डा मसला उठिया सी मत्तेवाड़े दा जंगल। सो ये बहुत पुराना और इतिहासिक जंगल है जिहड़ा साडे इलाके नूं एक फेफड़े का काम करता सी, लेकिन जो पिछली सरकार कर गई सी और जो हुण वाली सरकार कर रही सी उत्थे एक इंडस्ट्रियल पार्क जिहड़ा डिवेलप किया जा रहा सी और लोगों ने बड़ा वड्डा प्रोटेस्ट किया, जिहदे नाल अज्ज जिहड़ी खबर आ रही है वी सरकार ने वह फैसला वापस लै लिया भी जंगल नहीं जड़िया जाऊगा। सो भाई जी, तुहानूं तां लगता नहीं है वी सरकार ने आपे ही मुद्दा उठा लिया सी ते आपे ही फिर इहनूं बंद कर दिता वी शायद लोगों का ध्यान खिंचीए अपने आप, की कहना चाहोगे जी? पब्लिक सिटी वास्ते इन्होंने किया जी पहलियाँ। मेरा नाम जसवंत सिंह है, जिमी ट्रेडर नकोदर तो बोल रहा है जी। ये पब्लिक सिटी वास्ते गवर्नमेंट आपे कर रही है, आपे मुद्दे चक लेंदी, आपे 10-15 दिन बाद मठे कर लेंदियाँ, बस अपने नंबर बनाने के खातर ही है जी। थैंक यू। सो भाजी ने गल की है कि सरकार आपे ही मुद्दा उठा लेंदियाँ और पब्लिक सिटी वास्ते फिर बंद कर देंदी, लेकिन फिर भी ठीक है साढ़े लोगों ने अब 2-3 दिन का संघर्ष विढ़िया हुआ से, लोगों की बड़ी जित है और सरकार को कितने ना कि दिमाग में आऊगी भी जो दोबारा कोई पंगा लिया तो सानू फिर वापस आना पेगा। सो मैं बेनती करांगा सरदार सुंदरपाल सिंह जी जो साडे तरक्षी साडी भारत के इकाई नकोदर के प्रधान आ, वो इस विषय बारे की कहना चाहते? देखो जी, वातावरण के बारे में इदा भी दरख्त सारे कट हो रहे, जिन्हिया ही नवी सड़क बना रहे दरख्त कट के, बड़े बड़े दरख्त कट रहे हैं, इतों तक भी ईवन जो बोर्ड वे वे बोर्ड से जिन्हें बहुत जरूरत है वनू असी बहुत कट रहे हैं। दूसरा सरकारां चाहिए, जो म्यूनसिपैलिटियां चाहिए, जो कोई बंदा एक घर बना चार दरख्त जिन्हें चर नहीं लाते घर पास ना किया जाए, ये म्यूनसिपैलिटी चाहिए या सरकार चाहिए। जे कोई खूह से मोटर लगा वे जिन्हें चर 5-7 दरख्त नहीं लाता उन्हें जरूरी करना चाहिए भी तेरे मोटर तो पास होगी या तेरा काम यह पास होगा भी या तेरा मीटर तो पास हो जो तू इत चार दरख्त लाएगा और फिर तेरा पास होगा, योजे कानून बना तो सब तो वधिया होगा। सो सरकार को चाहिए भी योजा कानून बनाए कि जो कोई किसान भीर मोटर लगा तो वो उत्ते कुछ गिणती हो 5-7-10 रुखों की जरूरी। सो नाल ही जो कोई घर बना भी जो नक्शा ही पास होंगे तो पास हो रुखों वास्ते जगह रखी जाए, सो जिनी कि जगह वो वास्ते उदा के रुख अचक मिल जाते। सो मैं बेनती करा भाजी कि इस विषय बारे की कहना चाहते जी? वातावरण का बहुत गंभीर मुद्दा जो अपने शुरू ये वातावरण के असी सोचते हैं कि जो दरख्त कटते हैं असी जो दरख्त कटते हैं चाहे वह चोरी कट्टिया जाता जो मिली भुगतना कट्टिया जाता किसी तरीके बहुत ज़्यादा जानी सोच समझ के एक ऐसा कानून होना चाहिए भी कोई आदमी दरख्त पट्टन या कट्टन तो पहला उन्होंने सोचे जी। मैं UAE काफ़ी टाइम गुजारिया, उत्थे मैं एक देखा कि उन्होंने
शेख जैद उन्हों का प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें एक कानून किया कि अगर दरख्त नहीं जरूरी तो उन्हें ना कटिया जाए। उन्होंने मतलब कि इतने तक कहा भी अगर एक डाणी कोई दरख्त की डाणी कट्टनी है ना वह भी तुम थल्यों लैके उपर तक वो जाँच करवाओ फिर उन्हें छांगो या कटो। एक यानी सरकार एक यहोजा कानून यहोजा बनना चाहिए भी असी किसी दरख्त ने छेड़छाड़ करिए तो सूँ इन्ना पता हो जिदा कि रेलवे की चीज़ अभी नहीं चकते ये सूँ पता भी यदा केस बहुत लंबा चला बस यही मैंने बचाने सब तो व्डा तरीका यही है। भाजी ने दुबई की गल की है उन्हों का 50 टैंपरेचर से उन्होंने रुख ला ला के अपना टैंपरेचर 45 तो थले कर लिया तो साड़ी जी मुश्किल है साडा टैंपरेचर 40 हों असी 48 कर लिया सर जी इस तरह चलता रहा 50 तो उपर चल गया तो फिर बिल्कुल झुलसन वर्गी गर्मी होगी जितों कोई नहीं बच सकेगा। सो मैं एक जिवें भाजी ने गल की है साढ़े साथियों ने गल की है भी सरकारों को चाहिए लेकिन मैं ये भी बेनती करना चाहता सानू नैतिक तौर पर चाहिए साढ़े गुरु साहबाना ने लिखा हुआ गुरबाणी के पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। सो असी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए धार्मिक जिम्मेवारी समझते हुए ये जरूर जतन करिए भी जिथे भी रुख लग सकता उन्होंने लाइए और जोड़े लगे हुए रुख है उन्होंने सांभीए। मैं बड़ी तकलीफ होंगी है जो साडे किसान वीर झोने जी वेस्ट अग लाए ज कणक जोड़ा वेस्ट हों अग लाए वैसे तो अग ही नहीं लानी चाहिए लेकिन किसान भीर करते हैं भी सड़कों के लागे अग ला देंगे वो जोड़े रुखों के पत्ते डिगे होंगे उन्होंने अग ला के रुख भी सड़ जाते और मैं अखा के नाल देखा कि वह रुख बेचारा जींदा ही सड़ रहा और दूसरे तीसरे ने मैं देखा हवा ही तो डिगया पाया। सो जींदे रुख में साड़ना किड्डी वड्डी ये पाप है ये सानू नहीं करना चाहिए। सो मैं डॉक्टर साहब अगर बेनती करूँगा धर्मजीत सिंह जी अगे कि जोड़ा पानी का पोल्यूशन है पानी साडा पोल्यूट हो रहा इंडस्ट्रियां जिहड़ियां पानी अपना खराब जिहड़ा वो बाहर ट्रीट करके सुट्टण दी बजाय धरती विच पा रही और जिहड़े शहरां दे पानी आ खराब वो तुसीं देखदे हो वेंज जा रहा और वेंज तों सतलुज जा रहा। सो पानी साडा बहुत सारा खराब हो रहा अगे आपां जिथे मर्जी टोआ कढ के पानी पुट के पी लेंदे सी 10 फुट ते नलका लग्गिया हुंदा सी ते हुण 5-5 फुट ते आपां मोटरां ला के पानी पीण दी कोशिश कर रहे हैं फिर नाल फिल्टर लाए हुए। सो की कहना चाहोगे तुसीं पानी दी जिहड़ी समस्या पोल्यूशन बारे जी? ये बहुत वधदी जा रही दिन दिन वड्डी समस्या आ पानी तो बिना मनुख का जीवन असंभव आ। ये लोगों के एक जागृति पैदा की जाए कि जेडे कैमिकलों की घट्टो घट वरतों की जाए तो जड़िया खादा या होर चीज़ा वाधू पाई जा लिमिट पाई जाए तो जागरूक किया जाए कि इस कैमिकल के आ नुकसान है जे ये धरती के फिर थले गया तो बहुत ही दूषित करता है। फालतू पै बोर के आसे पास मिट्टी पाई जाए बहुत सारे मैं अक्सर देखे पिंड छप्पड़ के लागे व्डे खूह आ वो खूह भर जाते पानी के नाल वो पानी मुड़ के धरती के थले जाता वो पानी दूषित करता तो इस करके सारे की यह जिम्मेवारी बनती आ कि यदि समस्या का रल मिल के अपनी पब्लिक के सहयोग नाल किया जाए। तो इस दे नाल मैं एक होर भी लफ्ज कहना चाहुंदा आ वातावरण संबंधित जिवें दरख्तों की गल अगे बहुत चल चुकी आ दरख्त बचाओ नीति ये चाहिए भी जिमें पिंड जिमें कोई कैंप लगते हैं जिमें महामारी बारे आए गए इन्होंने सरकारा ने जागरूक किया जा अपने पिंड लैवल से लोग जोड़े सूझवान है पतवंत है जिन्होंने ये गुणों का पता आम अक्सर वेखने आया कि लोगों को यह पता ही नहीं कि इस दरख्त के की गुण हैं लोगों को ये बारे जानकारी दी जागरूक किया जाए कि जे इस दरख्त को कटिया तो साडा इन्ना नुकसान होगा ये की इस दे फायदे हैं। यहोजी अज तीन कोई भी मुहिम जंगलात महकमे ने या किसी भी महकमे ने नहीं चलाई दरख्त बढ़ाओ नीति बार बार टैलीविजन में बोलते हैं पर पिंडां दे लैवल ते किसी ने जाके कोई कैंप नहीं लगाए यहोजे कैंपां नूं वध तों वध बढ़ाया जा बढ़ावा दिता जाए तो वातावरण प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इस दे नाल मैं सो मैं धन्यवाद करदा अपने वीर डॉक्टर धर्मजीत सिंह जी का जिन्होंने बड़ा ही वड्डा मसला उठाया कि जंगलात महकमा पिंडां लैवल तक जानी कि ग्राउंड लैवल तक अपनी नीति लैके भी रुख किवें लाने किवें सामने नहीं पहुँचता लेकिन फिर भी मैं बेनती करता भी जंगलात महकमा सरकारी है वह सर सकता एसी विच बह के जिहड़ा आम लोग आ जिहदे घरे पखा भी कई वजह है नहीं उन्हूं तो रुख की लोड़ आ हवा की लोड़ आ पानी की लोड़ आ और जो आपां कोविड के दौरान देखिया भी ऑक्सीजन की किन्नी लोड़ सी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जिहड़ा लखां रुपईआं तक विकिआ लेकिन पिंडां दे विच जिथे रुख लगे हुए आ इह ऑक्सीजन के सिलेंडर की लोड़ नहीं पई। सो इस करके मैं सारे दर्शकों नूं बेनती करदा कि आपां अपना नैतिक फर्ज समझते हुए रुखों की संभाल करिए पानी संभाल करिए धरती मां की संभाल करिए साडियां आने वाली पीढ़ियां सानू कल ये लामे ना देन कि साडे जिहड़े पुरखे सीगे साडे लई की करके गए। सो इन्हां बेनतियां दे नाल मैं सारे साथियों का धन्यवाद करदा जिन्होंने अज्ज दी विचार चर्चा में हिस्सा लिया कि आपां वातावरण की संभाल किवें करनी है
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਹੈ।